अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। शुरू करते हैं, अल्लाह का पाक नाम से बड़ा बान नहायत रहम करने वाला है। चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। जुम्मे का दिन है आज जी, मुलाजम नमाज पढ़ने चले गए हैं अभी, बिल्कुल जा गई है 1 बजे और मैं अभी दुकान पे आया हूँ, तो मेरा भी दिल लगा कि पहले नमाज पढ़ लें। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बाकी फिर काम बाद में शुरू करते हैं, आइए चलते हैं मस्जिद की तरफ। मस्जिद वाले गली में आ गए हम लोग, बस ये साथ ही गली मोड़ पे मस्जिद है, वहाँ पे हम नमाज पढ़ेंगे। जी जी मस्जिद है, मस्जिद जाने में से मुझे मुस्तफ़ा मैं जुमा पढ़ने बस रजू कर रही हूँ। जी मेरे उसामा भाई, नमाज हो चुकी है तो बस अब सब लोग जा रहे हैं वापस। हम लोग अब हम जाएंगे दुकान पे, आज तो जुमा है, सारी दुकानें बंद है पर साड़ी दुकान फिर भी खुली है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। दुकान पे तो कस्टमर बैठे हैं, तो जरा जी जी हमारे शानी साहब हैं, ठीक है। इनको कल बहुत गुस्सा था, कल बहुत इनका दिमाग शार्ट हुआ, कल को मैं भी लेट आया और सनी साहब भी नहीं है। की गल किसी भाईजन ਉਸਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਭਾਈ 3:30 ਵਜੇ ਦਾ ਕੱਲੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਦੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਰੀਏ ਚਾਚਾ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਸੁਣਦੇ ਚਾਚਾ ਦੀ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੋਸਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕੋ ਸ਼ਾਮਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਛੋਟਰ ਥਾ ਯਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਧੂਪ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੋ ਵਹਾਂ ਪੇ ਕਾਫੀ ਚੁਗਦੇ ਸੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋਨ ਸੇ ਹੈ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸਕੋ ਜੀ ਮਾਰੇ ਸ਼ਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਾਂ यहाँ से नीचे उतरना कोई हाँ उतरना खाला जी का बड़ा नहीं है यहाँ से उतरना। हाँ जी ये आप ही लैन लगे ना हूँ तो तुम पता है फिर असि लै आया ये भी फिर लै आई फिर की होया ये जी हमारे शेरी भाई हैं, हम लोग उतरमा पढ़ के आए तो ये यहाँ पे 3 रिश्मा पढ़ के आए देखे जी ऐसे ही बात और ये साथ में खरबूजे भी देखे आया मैं करने पर खाने नहीं ए रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं नहीं सुकर ये भी कितने के आया जी खरबूजे ये आया 300 रुपए 300 रुपए की जो खरबूजे हैं तौबा अस्तगफुरुल्लाह करनी चाहिए मुसलमानों रमजान में आके चीजें घटाने की बजाय आप लोग और रेट बढ़ा देते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कि आप लोग देख सकते हैं गर्मी इस टाइम फुल जोरों पे है। हमारे शरीफ भाई कहते हैं यार गर्मी हो गई है, मैंने कहा हाँ यार गर्मी तो जोरों पे हो गई है पर कोई नहीं यार हमें रोजा थोड़ा थोड़ा, थोड़ा लग रहा है पर इतना कोई नहीं लग रहा है यार। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, अगर तो कमजोर है और रोजे रख रहा है अल्लाह पाक से दे दी इनको ये खाने पीने से मर जाता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, अक्सर सुनने में आता है ज्यादा खा ले ज्यादा पानी पी ले मर गए। असर की नमाज होनी है तकरीबन 5 बजे और छुट्टी होनी है 5:30 तकरीबन पौने 6 तक फोन बात करेंगे। ये जी हमारे भाई साहब तो जा रहे हैं, अक्सर का टाइम हो चुका है मुलाजम नमाज पढ़ने गए हुए हैं, फिर वो नमाज पढ़ के आते हैं, फिर हम नमाज पढ़ेंगे और फिर उसके बाद 5:30 बजे तक घर। ये जी हमारे हाजी साहब नमाज पढ़ के आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं। हम लोग आ गए हैं जी मस्जिद, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे नमाज, मिलते हैं आपको नमाज के बाद। हम लोग नमाज पढ़ चुके हैं, अब चलते हैं सीधा दुकान की तरफ, दुकान पे चल के मुलाजमों को छुट्टी देंगे। जी हम लोग आ गए हैं दुकान पे और आप देंगे शानी को छुट्टी, सनी को अपने साथ लेके जाना होता है, उसने बंदे जाना होता है, शानी ने जाना होता है जरा हमजा टाउन और मौसम माशाल्लाह प्यारा हो चुका है, बादल बन गए हैं, कुछ फायर टाइम तो उनसे अब धूप निकली हुई थी, अब तो जोन सा है कि नॉर्मल मौसम है, इतनी गर्मी वगैरह नहीं फील होगी। अब देते हैं शानी को उसकी दिहाड़ी और फिर मैं और सनी रह जाएंगे, तकरीबन हम लोग जाएंगे 1/2 घंटे बाद जाके मुर्गियां देखेंगे और जो सील मुर्गियां अंडों को उठाई वो भी चेक करेंगे। हो गया पौने 6, मुलाजम गुजरा काम पड़ गया घर से तो वो उधर भेजा है सामान लेने के, नैन का तो वो लेने के, हम इतनी देर में शॉप क्लोज करते हैं।
जी सनी आ गया है बस, दुकान हो गई है, आन दे जी थले। मैं जरा वीडियो बनानी है। यहाँ पे फ्री सहरी और अफ्तारी करवाई जाती है। सनी का घर आ गया है, यहाँ पे ऊपर जाएगा। यहाँ से आगे हम पूरी ड्राइविंग करनी आ गए। अच्छा जी फाइनली तो हम लोग घर आ चुके हैं। अफ्तारी अम्मी ने टेबल पे सेट कर दी है जी। अब हम चलते हैं ऊपर। ऊपर चल के जी मुर्गे देखते हैं। लगता है मामा ने सफाई कर दी है। हाँ आज अंडे पहले ही मैंने उठा लिए हैं। यार छत है, साफ सुथरा छत है, कितना गंदा कर देंगे तुसी लोग हैं। काले बीज डालने इनको, जरा खुश हो जाएंगे। बीज वगैरह भी डाल दिए हैं। अब हम चलते हैं अपनी सील मुर्गियों की तरफ और देखते हैं जी उनकी क्या सूरत हाल है। इसका पता नहीं है। लग रहा है अंडे खराब ही होने। क्या पता नहीं ये टूटा हुआ है या क्या हुआ, पैक हुआ है या क्या हुआ है, कुछ पता नहीं। दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस बारह तेरह चौदह पंद्रह तीन चार अठारह चलो खुद ब खुद सेट कर लेगी जी। 18 अंडे हैं उसके नीचे, मेरे ख्याल में तो शायद 19 होने चाहिए थे। अब पता नहीं शायद 18 ही थे, मैं गिनती में फर्क आ गया हो और थोड़ी स्मेल सी आ रही है। पता नहीं बच्चे निकलते हैं या नहीं, या 18 के 18 अंडे जाया जाते हैं। कोई एक दो तो बच्चा निकले यार, इज्जत रह जाए मारी। तो जी हमारा छोटा सा सेटअप, बल्लाह पा खैर करे बड़ा हो जाए। और हम लोगों ने उम्मीद तो बहुत लगाई हुई है। अब अंडे पता नहीं उधर थोड़ी थोड़ी स्मेल भी आ रही है, क्योंकि पहले रोज़े हमने बिठाई थी। आज 18वां रोज़ा हो गया और 21-22 दिन बाद सुनने में आया कि बच्चे निकल जाते हैं, नहीं तो 20 दिन के बाद। अब पता नहीं क्या होता है। सील मुर्गे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, अगर पकड़ाई आ गया तो। ये है जी हमारा सील मुर्गा। अच्छा जी 6:20 हो चुके हैं, अफ्तारी का टाइम हो चुका है और हम चलते हैं अब नीचे रोज़ अफ्तार करेंगे। और ये था हमारा आज तक का व्लॉग। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।